पे ना लाइटें जलती है। बस करो, ये बहुत ही बेहतरीन और मजा आ गया देख के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, आई होप ठीक होंगे भाई, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो भाई अभी प्रोग्राम बना है हमारा, पहले आप टाइम देखो पीछे, देखो 10:20 हो रहे हैं। तो भाई अभी हमारा प्रोग्राम बना है खाटू श्याम जी जाने का, और ये अमित। हाय फ्रेंड्स, हेलो। तो अभी हम जा रहे हैं खाटू श्याम। हाँ, खाटू श्याम जी जा रहे हैं, और भाई खाटू श्याम जी मंदिर का न्यू लुक देखेंगे कैसा है। और तो भाई सुमित भी जा रहा है, जीजा जी भी जा रहे हैं, नीटू भी जा रहा है, मैं तो आकाश नहीं जा रहा, आकाश लेटा हुआ, कह रहा मुझे कल ऑफिस जाना है, मैं नहीं जा सकता। तो अमित तो ऑफिस की छुट्टी कर लेगा, एक्टिव है पूरा ठीक है। तो भाई और अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं द्वारका के लिए, तो निकलते हैं, और लेट हो रहे हैं काफी भाई, क्योंकि 10:30 हो चुके हैं। तो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना भी है, और फिर मंदिर के लिए भी निकलना है। तो हम लोग आ गए हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए, और मैं यहाँ पर दीदी, मतलब दीदी नहीं, मैं इनके साथ जा रही हूँ, पर दीदी को नहीं पता है मैं इनके साथ आ रही हूँ। तो दीदी के लिए सरप्राइज़ है, पर मैं हर बार सरप्राइज़ प्लान करके जाती हूँ, बट सरप्राइज़ सरप्राइज़ नहीं रहता है। हम लोगों के साथ मोस्टली यही चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं दीदी मुझे देख के कैसे रिएक्ट करेगी। चलिए चलते हैं। देखिए गाइस, ये बदतमीज लड़का, इसके चार चाटे सुबह और चार चाटे शाम को पढ़ने चाहिए, ऐसा लड़का है ये। और बीच में भी 8-10 घूसे पढ़ने चाहिए। वीडियो ट्रेंडिंग पे है बड़ा। 4:00 11:30 हो रहे हैं, आराम से 4:00 नहीं होंगे, 5:00 के दर्शन हो। हाँ जो भी है, 5:00 होते हैं और आरती होती है। तो भाई अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं द्वारका, और टाइम तो 11:30 हो रहे हैं। ऑटो से आया क्या? हाँ मैं ऑटो से आया हूँ। गाड़ी वाला जो था पहले बोल दिया, मैंने कहा गाइस मुझे पता है, मेरे बहन को पता है कि मैं आ रही हूँ। और ऊपर से एक सीन, इसको मैंने अकेले देखा। किसको? क्यों सुनी तो साथ में। तो यहाँ पे चल रहा है व्लॉग, और ये सब लोग व्लॉग एंजॉय नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सबकी अपनी अपनी रामायण चल रही है। तो ये ज्यादा चल रहा है, ये जो ये हमारे वाले भाई गुमशुदा, गुमशुदा जो वीडियो बना रहा है उसे पूछो मेरे बारे में। आप ही चेंज कर ये हमारे परेशान जीजा जी, ये करना जरूरी था। आपका जाने का मन है? हाँ, अगर उसका मन है तो भेज दो ना। मन तो बहुत कुछ रहेगा, ब्लॉग में थोड़ा तमीज से भेज जाओ। नहीं हो सकती ना सारी चीज़, ये गुस्सैल बाप ऐसा नहीं है, रोज में नहीं जाते यार। चुप कर, चुप करो वोटिंग कर लो बेटा। चलो तुम तैयार हो ना। आरुष ने क्या कहा है? 18 साल से नीचे बच्चे मन के सच्चे। लेकिन यहाँ पे ना लाइटें जलती है, बस करो। ये सोलर पैनल, ये सोलर है, यहाँ पे सोलर पैनल, सोलर सिस्टम, जब तो जो चलाता है। क्या बात है, ये देखो ये क्या करा गया है, ये किसने किया? दीदी की शक्ल देखो, गुस्सा हो रही होगी। जिसने कापा है और जिसने गिराई है, दोनों में से एक को चप लगाएगा। करने वाला भी आ गया। क्या करने वाला है? सफाई। जी सुनो नीटू, कपड़ा लेके आ। अभी रुको, उसका रीजन ये है, पता है तबियत सही नहीं है, समझा कर आरुष। बुखार हो गया ना नीतू, कुछ नहीं होगा, एग्जाम नहीं है जी तरीके से। सारी बहन क्या हो, तो पहले का आप तो कभी हरकतें भी करते हो। जल्दी साफ कर, जल्दी तैयार हो जाओ नीतू, सही तरीके से करियो। रुक जाओ, एक डबल करूंगा ना। उछल उछल के कहाँ जा रहा है? इस उछलने के चक्कर में आलू आई है, मतलब तुम्हारी आवाज भी बैठती है।
इसको किनारियों और ये देखिए कपड़ा तूने करा कपड़े पे लग गया किनारी ये चाय फंसी पड़ी थी किनारी में। अब इसी कपड़े को दोबारा मार उंगली से अगर उसको जीभ लगा ले जीभ वहाँ पे और अभी हाथ धोइयो मत सारे कप भी अभी हाथ मार दियो बात ना करो तो भाई जाने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं और टाइम देखो भाई 12:19 हो रहे हैं इतना टाइम हो गया और अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंचेंगे वहां पर। चलो चलते हैं अभी तो मैं ही बाहर आया हूं और भाई गाड़ी भी काफ़ी गंदी हो रही है क्योंकि वो सुबह ही साफ करके जाता है ना तो अब तक गंदी हो चुकी है। चलो इन लोगों का वेट करते हैं कितनी देर में बाहर आते हैं ये लोग। भाई चल सही से साफ कर रुक क्यों गया विसर्जित करने के लिए लक्ष्मी जी का वो पीछे ही तो रखे हैं। अरे विसर्जित करने की जगह है पानी पानी की बोतल दे दी भर दो पानी की बोतल भरी भर दो और एक अभी मिलते हैं बड़ी वाली भी भर देना। अमित हाँ टी शर्ट ले लो पे फुल लेटने का प्रोग्राम बना लिया मेरे को गिराया ये करा वो करा ये देखो ये तो ऐसे लेट कर जाएंगे दी ये तो सोते हुए जाएंगे ये देखो गाड़ी चल तो जाने देते पहले ही सोने का इंतजाम कर लिया लोहे वाली बोतल लेते थे ये भी भर देगा दे तो दी। तो भाई गाड़ी में बैठ चुका हूँ और जिया जी देखो फुल पीछे आराम कर रहे हैं गाड़ी में चला भाई कॉपीराइट आ जाएगा क्या कर रहा है धूत में घुसंड मारूंगा आगे बैठे तो ठीक है कोई बात नहीं अब दिखाती है तो तुम बाहर जाओ तुम्हें तो लेके नहीं जा रहे हो ये दीदी खड़ी है बाहर टाटा बाय बाय ये देखो बच्चे की तरह टाटा कर रहा है मैं उनको क्यों कर रहा तू तो हमारे साथ चल रहा है तो मिलते हैं रोड पर। भाई पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं और देखो कैसी कितनी कितनी लाइन लगी हुई है रात को 12:30 लाइन लग रही है पेट्रोल डलवाने के लिए देखते हैं भाई कितनी देर में नंबर आता है। तो भाई हमारा नंबर आ चुका है पेट्रोल डलवाने के लिए एकदम से पेट्रोल पंप खाली हो गया कोई भी नहीं है सब चले गए तो अभी पेट्रोल डल रहा है और ये लौंडा बाहर आ चुका है फुल एंजॉय करता हुआ जाएगा आज ये फुल पावर है। तो भाई पेट्रोल डल चुका है अब चलो निकलते हैं रोड पर क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है देखते हैं भाई कितने बजे तक पहुँचते हैं वीडियो में बने रहना। भाई अभी हम पहुंच चुके हैं सेकंड टोल पर ये है बैरोड़ का टोल है ये और अभी ये गाड़ी बैक आ रही है भाई फुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं और 2:05 हो गए हैं तो 2:05 हो चुके हैं और अभी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा भाई गाइस बहुत मजा आ रहा है और 111 किलोमीटर आ चुके हैं घर से अभी तक चलो मिलते हैं। तो भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हाईवे किंग और हाईवे किंग तो भाई पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और अभी बहुत तेज़ भाई प्रेशर था कम से कम 35 किलोमीटर दूर से तो मैंने सोचा हाईवे किंग आ जाए तो वहीं जाके फ्रेश हो जाएंगे तो देखो भाई लुक चेंज हो गई है पूरी हाईवे किंग की। तो भाई किसी टाइम पर ना यहाँ पर पूरी वो लगी हुई थी टीने मतलब उसके नीचे गाड़ियाँ खड़ी होती थी और ये देखो यहाँ पर ये पूरा मिट्टी का बना दिया पहले यहाँ फाउंटेन बना हुआ था बीच में एक आपने मेरी पहले कभी वीडियो में देखा हो तो फाउंटेन था यहाँ पे और वॉशरूम इधर आ गया पहले वॉशरूम उधर था अब इधर आ गया सामने। तो भाई अब ना यहाँ पे कुछ अलग सा फाउंटेन बन रहा है और जब ये बन जाएगा ना कंप्लीट हो जाएगा तो भाई बहुत ही प्यारा लगेगा और सामने रेस्टोरेंट है और ठीक इसके सामने भाई एक पहाड़ है जो जिसका व्यू ना बहुत अच्छा आता है मॉर्निंग में तो वो तो कल ही देखने को मिलेगा मॉर्निंग में अभी तो नहीं दिखेगा वो। तो भाई फ्रेश हो चुके हैं और घर से 12:30 चले थे हम और अब 3 बज चुके हैं और घर से भाई नेट
183 किलोमीटर से रेस्टोरेंट जो है हाईवे किंग 183 किलोमीटर है पूरा। और अभी हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, अभी सिर्फ यहाँ पर वॉशरूम जाने के लिए रुके थे। अब यहाँ से भाई मैंने जब बाइक पे आया था ना, अमित और मैं बाइक पे आए थे यहाँ पर, तो मैंने एक जगह देखी थी चाय पीने की, वो बहुत ही, वो आगे शाहपुरा में है, वहाँ जाएंगे अजीतगढ़ वाले रास्ते पे। तो वहाँ पर एक, चलो मैं दिखाता हूँ, बताता नहीं आपको, आप भी देखना। तो निकलते हैं रोड पर। तो भाई अमित और सुमित गए हैं वहाँ पे सामान लेने के लिए, मैंने बोल दिया एक पिनट लेते हैं ना, और इसको अपनी फ़ोटो की पड़ी है। भाई यहाँ पे ना मौसम काफ़ी चेंज है, मैं भी बस ये स्वेटर पहन के आ गया, तो यहाँ मौसम काफ़ी ठंडा है। तो भाई रात को तो वैसे भी ठंडा होगा, 3 बज रहे हैं। चलो वो सामान लेके आ जाएंगे, तो फिर निकलते हैं हम रूट पर। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हम लोगों को चाय पीनी है, वो है शाहपुरा का चौक, वो सामने है, और ये पेट्रोल पंप है। तो ये अंकल जी लगाते हैं यहाँ पे अपनी शॉप। 3 बजे आए हो आज भी है। तो भाई अंकल जी चाय ना बहुत बढ़िया बनाते हैं। जब अमित और मैं आए थे ना यहाँ पर बाइक से 3 बजे आए थे, तो अंकल ने हमें बहुत बेहतरीन चाय पिलाई थी, कुल्लड़ वाली चाय पिलाते अंकल जी, बहुत ही बढ़िया। और ये शाहपुरा का चौक है अंकल जी, शाहपुरा चौक है, और वो सामने पेट्रोल पंप है, और ये अंकल की शॉप है इधर। तो अंकल जी 3 बजे लगाते हैं रात को। 3 बजे से कितने बजे तक लगाते हैं अंकल जी? पहले है ना, और सुबह कितने बजे तक? शाम को 7 बजे तक रहते हैं भाई अंकल जी। तो बहुत ही बढ़िया चाय बनाते हैं, इनके हाथ की चाय पियेंगे और चलेंगे आगे खाटू श्याम जी के लिए। तो आगे भाई कुल्लड़ वाली चाय, वाह मजा आ गया, कभी आना भाई यहाँ चाय पीने, कड़क चाय एकदम, नींद नींद से भाग जाएगी, मजा आ जाएगा चाय पी के। भाई खाटू श्याम जी पे ना बहुत भीड़ मिलने वाली है, बसें ही बसें जा रही हैं, बसें ही बसें, ऐसी कम से कम अभी तक 10 बसें जा चुकी हैं, और गाड़ियाँ भी बहुत, तो देखते हैं भाई कितनी भीड़ मिलेगी वहाँ। तो भाई रोड जो है ना एक नंबर के बन चुके हैं, रोड एक नंबर के, मजा आ गया भाई रोडों का। पहले किसी टाइम पे टूटे फूटे रोड होते थे एक साल पहले, तो बहुत बेहतरीन रोड बना दिए भाई। हम लोग पहुंच चुके हैं रिंगस, तो एक दर्शन कर लो भाई, जहाँ से निशान उठाते हैं, और भाई मंदिर पे भीड़ भाड़ मिलने वाली है, और कितने भक्त जा रहे हैं भाई आगे निशान उठा उठा के, यानी मंदिर पे भीड़ मिलने वाली है। भाई पूरा का पूरा ग्रुप जा रहा, देखो डीजे के साथ, यहाँ पर मेले की तो बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, और हम तो बहुत घूम के आए हैं उस वाले रोड से, और तोरण द्वार उधर है सामने, ये सामने वाला रोड बंद कर रखा है सामने वाला, और बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है भाई, शायद भाई ये रास्ता भी बंद कर रखा है, तो हमें वापस जाना है। चलो गाड़ी मोड़ लेते हैं भाई वापस। तो भाई गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, और आप पार्किंग देखो कितनी फुल है भाई, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो भाई फुल पार्किंग है फुल, और बाहर इतना शोर आ रहा है ना, तो चलो बाहर दिखाता हूँ आप लोगों को। कैसी है भाई ठंड? अरे भाई गजब ठंड, कैसी लग रही है जी? बढ़िया वाली एकदम। तो भाई रिक्शे में बैठ चुके हैं, और ये रिक्शे वाले भैया हमें लेके आए हैं भाई, ये इन्होंने 100 रुपए लिए हमसे 5 सवारी के, बेईमानी करी इन्होंने हमारे साथ, इनकी शक्ल देख लो आप भैया की, भाई इन्होंने जायज पैसे लिए, ठीक है इतने बंदे भी हैं। और भाई भीड़ भाड़ तो सही लग रही है, और ठंड बहुत लग रही है भाई यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कि जैकेट, भाई मैंने तो फटाफट से जैकेट पहन ली भाई, ठंड इतनी हो रही है।
और अभी जैसे दिन हो जाएगा ना फिर 10 बजे के बाद यहाँ गर्मी बहुत तगड़ी लगने वाली है। मुझे पता है चीज का तो है भाई, गर्मी है, गर्मी है भाई, ये भाई सही बता रहे हैं गर्मी लगेगी। तो चलो मंदिर में देखते हैं भाई भीड़ कितनी है। रिक्शे से हम आधे रास्ते में उतर गए क्योंकि हर जगह से रास्ते बंद कर रखे हैं, हर जगह से कहीं से भी अब पैदल जा रहे हैं हम यहाँ से। तो और भाई सोमवार की रात को ना मंदिर बंद रहेगा क्योंकि 22 तारीख से यहाँ बहुत तगड़ा मेला लगने वाला है। मतलब भाई आज मंडे का पूरा दिन खुला रहेगा और मंडे की रात को ना मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे क्योंकि श्रृंगार होगा बाबा का और 22 तारीख को फिर खुलेंगे मॉर्निंग में। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल पैदल, देखते हैं कितनी दूर है। रिक्शा वाले भैया ने बोला था 300 मीटर है, तो चलो देखते हैं कितनी दूर है मंदिर और भीड़ भाड़ कैसी रहेगी। भक्तों की भीड़ है, फिर जाना पड़ेगा वापस। और बहुत बढ़िया बना दिया, खुला खुला हो गया चारों तरफ, मस्त मजा मंदिर, मजा आ जाएगा। आप चारों तरफ भक्ति भक्त और रोड इतना चौड़ा हो गया ना भाई, देखो इतना चौड़ा हो गया, पहले रोड इतना चौड़ा नहीं था। अब अंदर चल के देखते हैं भाई। इस गंजे की वजह से ना हमेशा परेशान होते हैं, इसको बोला था कि बाहर जूते उतार देते हैं फिर भी यहाँ अंदर लेके आ गया मेन गेट, अभी यहाँ उतारे हैं। हाँ तेरे टंगे छोड़ देंगे, तेरी वजह से हमेशा नुकसान झेलते हम भाई। लाइन की लुक कुछ ऐसी कर दी है, बहुत ही बेहतरीन और मजा आ गया देख के, बहुत ही स्पेस हो गया। अब जैसे जिग जैक करके जाना पड़ता था ना ऐसे नहीं जाना पड़ेगा। बाकी ये जो गंजा आगे चल रहा है ना इसकी वजह से हमारा मूड खराब हो गया है। जय क्या है, इसमें भी तू ही लाइन में लेके आया, ध्यान रखियो। तो भाई 5:12 हो रहे हैं और सही समय पे पहुंच गए हम लोग, अभी देखते हैं कितनी देर में दर्शन होते हैं हमारे। और अमित, हम दोनों अमित पीछे हैं, ये चल रहा पीछे। तो भाई अभी लाइन बहुत ही स्पीड में चल रहे हैं हम लोग और सही है अब। तो भाई 1-2 मिनट में यहाँ पर पहुंच गए, 1-2 मिनट में। और क्या भाई क्या बना दिया मंदिर, मजा आ गया भाई देख के। पहले यहाँ से एंट्री होती थी लेकिन अब यहाँ से कर दिया एंट्री, बहुत ही मजा आ गया भाई। और टाइम भी बचेगा भाई लोगों का और दर्शन भी जल्दी होंगे। तो भाई बाबा का मंदिर सामने है और ये एग्जिट हो गया अब यहाँ से, मजा आ गया दर्शन करके। 2 मिनट में दर्शन हो गए भाई, 2 मिनट में भाई बहुत अच्छी तरह के दर्शन हो गए हैं, हमें उम्मीद रही थी भाई। मतलब दर्शन 2 मिनट भी नहीं लगे भाई, मतलब फिर समझ में आएगा दोबारा। हाँ अभी हम दोबारा दर्शन करने जा रहे हैं, फिर हमें समझ में आएगा कैसे हुए हैं भाई, दोबारा जा रहे हैं अभी। चक्कर में भाई मेरे चक्कर में क्या हुआ है, डबल दर्शन करने को मिल रहे हैं हमें यहाँ से आगे, यहाँ मैं था तू मारने गया हमको जबरदस्ती लेके गया, तू तू लेके आएगा जूते, क्यों लाऊंगा अकेले से, मत तू जूते लेके आएगा, तू ही लेके आएगा भाई, ये जूते लेके नहीं आ रहा, सुन लो क्या कह भाई, ले गया चलते। हम दोबारा आ चुके हैं इधर जहाँ से हम वापस गए थे, उधर ही वापस आ चुके हैं और हम दोबारा दर्शन करेंगे। अभी हम दोबारा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और नीटू और सुमित जूते लेके आगे पहुंचेंगे। नीटू जाएगा सिर्फ कट्टा लेके, नीटू जाएगा तो तू ही बेटा। तो हम दर्शन करेंगे भाई दोबारा, लेकिन भाई अंदर ना वीडियो फोन तो निकालने नहीं दे रहे बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई मैंने, अब देखते हैं हम खाटू बाबा, बिल्कुल नहीं निकालने दे रहे भाई वीडियो। तो भाई वीडियो को ना पूरा देखना आप लोग, तभी आपको समझ में आएगा मंदिर का नया लुक। तो भाई मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार फिर आ गया और इस बार सही से समझ लेना, ये देखो मंदिर का जो नया लुक है भाई बहुत गजब है। अभी हम दर्शन करके आए हैं, 2 मिनट में दर्शन हो गए हमारे, इतना बढ़िया लुक कर दिया मंदिर का। अभी वापस ही एंट्री पे पहुंच चुके हैं हम, लेफ्ट साइड में बाबा का दरबार है, पहले लेफ्ट साइड में है वो, बीच में जो जगह थी वो तोड़ दिया, बहुत बढ़िया दर्शन है भाई। तो भाई मंदिर देखो सामने है और बाबा का दरबार राइट हैंड पे है और बहुत ही बहुत बढ़िया मंदिर बना दिया, बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए भाई 2 बार, बहुत अच्छे से। पहली बार वैसे तो मेरे दूसरी बार हुए हैं, मेरे पहली बार बहुत पहले हुए थे 4-5 साल पहले, बहुत बढ़िया दर्शन मैंने जाली के अंदर से दर्शन किए थे बाबा के। और इस बार मतलब मंदिर बनने के बाद भाई पहली बार इतने बढ़िया दर्शन हुए हैं और इसके तो भाई आज पहली बार ऐसे दर्शन हुए, पहली बार मैं तो बहुत खुश हूँ।
भाई मंदिर बहुत जबरदस्त बना दिया। अब किसी भी भक्त को परेशानी नहीं होगी, खिचपिच नहीं होगी, भगदौड़ नहीं होगी और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। जय श्री श्याम। अभी नीटू और सुमित वापस आ गए थे दर्शन करने के लिए, वो वापस गए जूते लेने। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये भी नेम प्लेट लेके आए। अरे पहले वाली भी इतनी बड़ी थी। एक बार ये देखिए, ये 50 रुपए की है। हाँ, ये दिखाओ ये वाला। ये भी ठीक है। ये कितने का है? 110 रुपए का है भाई। ये भी प्लेट है? हाँ ये भी प्लेट है, लेकिन ये फॉर्म वाली है भाई। ये भी है, ये 20 रुपीज की है, छोटी है। और ये 70 की है। ये दिखाओ। नहीं इसमें शाम नहीं। ये 100 की है भाई। ये भी अच्छी है। ये कलर भी अच्छा है, ये वाला दिखा लियो अमित एक भाई। ये कलर भी अच्छा है, बहुत प्यारा है। ये भी 100 का है। तो भाई इतनी देर से वेट कर रहे हैं इन दोनों का। जूते लेके आओ, जूते लेके आओ, अभी तक नहीं लेके आए। अब इतनी देर में आए 15 मिनट में कम से कम। ये जो गंजे तूने जूतों का नाश कराया ना तूने, तेरी वजह से ना दिमाग। तो भाई दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए और मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाया। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जो मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलता हूँ अपने नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।